उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें से एक रायबरेली लोकसभा सीट भी है। ये राज्य की इकलौती सीट है जहां पर 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी, तब सोनिया गांधी यहां से जीत कर लोकसभा पहुंची थी। अब बात करते हैं रायबरेली सीट की, इसके चुनावी इतिहास की, और बात करते हैं यहाँ से जीते उम्मीदवारों की और इनमें से कितने गांधी परिवार के थे, यह भी हम आपको बताएंगे। पिछले चुनाव में इस सीट पर क्या हुआ था, इस बार कैसे समीकरण बन रहे हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। साल 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट थी। उस चुनाव में यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीते थे। 1957 में रायबरेली सीट अस्तित्व में आई तो यहां से एक बार फिर फिरोज गांधी सांसद बने। इंदिरा और फिरोज गांधी का विवाह 26 मार्च 1942 को हुआ था। पत्रकार से बने फिरोज गांधी अक्सर संसद में अपने ससुर और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार की आलोचना के लिए जाने जाते थे। फिरोज गांधी के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने रायबरेली से 4 चुनाव लड़े। 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो गया। इसके बाद हुए उपचुनाव और 1962 के चुनाव में यहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ा। 1962 में कांग्रेस की तरफ से उतरे बैजनाथ कुरील ने जनसंघ प्रत्याशी तारावती को हराया था। फिरोज गांधी के निधन के 4 साल बाद 1964 में इंदिरा गांधी राज्यसभा पहुंची। इंदिरा गांधी 1967 तक राज्यसभा सांसद रही। 1966 जब इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तब भी वह राज्यसभा सांसद थी। 1967 में इंदिरा ने रायबरेली सीट से ही चुनावी राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उतरी इंदिरा ने इस चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी बीसी सेठ को 91,703 वोट से हरा दिया था। इसके बाद आया 1971 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर इंदिरा गांधी मैदान में थी। उनके सामने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राज नारायण थे। जब नतीजे आए तो कांग्रेस से इंदिरा को 1,11,810 वोटों से विजय घोषित किया गया। इंदिरा को 1,83,309 वोट जबकि राज नारायण को 71,499 वोट मिले थे। हालांकि राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और चुनाव में हेरा फेरी का आरोप लगाते हुए चुनाव नतीजों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। राज नारायण की चुनाव याचिका पर ही फैसला लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था। इंदिरा ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और इसी आधार पर अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद ही देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। इस घटना को ही देश में आपातकाल की जड़ माना जाता है। 1971 के बाद अगले लोकसभा चुनाव 1977 में हुए जब देश में आपातकाल का दौर खत्म हो चुका था। 1977 की जनता लहर में रायबरेली सीट से उतरी इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें भारतीय लोक दल के प्रत्याशी राज नारायण ने 55,202 वोट से हरा दिया। इसके बाद इंदिरा कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से उपचुनाव लड़ी और जीतकर संसद पहुंची थी। 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर रायबरेली सीट से मैदान में थी। इस बार उनके सामने थी जनता पार्टी से राजमाता विजयराजे सिंधिया। एक बार फिर इस सीट से इंदिरा गांधी सफल रही। उन्होंने विजयराजे सिंधिया को 1,73,654 मतों से शिकस्त दी। दिलचस्प है कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी के साथ ही आंध्र प्रदेश की मेडक जो अब तेलंगाना सीट से भी जीती। चुनाव के बाद उन्होंने रायबरेली सीट से इस्तीफा दे दिया और मेडक की सांसद बनी रही। रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। इसमें नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखने वाले अरुण नेहरू यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1984 लोकसभा चुनाव में भी अरुण नेहरू ने इस सीट से जीत दर्ज की। अरुण ने लोक दल की सविता अंबेडकर को 2,57,553 मतों से हराया था। 1989 में यहां से कांग्रेस की शीला कौल जीती। शीला ने जनता दल के प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह को 83,780 मतों से हराया। 1991 के लोकसभा में
कांग्रेस प्रत्याशी शीला कौल को कड़ी टक्कर मिली, लेकिन चुनाव जीतने में वो सफल रही। उन्होंने जनता दल के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को 3917 वोटों से हरा दिया। 1989 और 91 में रायबरेली सीट से जीतने वाली शीला कौल भी नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखती थी। शीला कौल के पति कमला नेहरू के भाई थे, यानी शीला कौल इंदिरा गांधी की मामी थी। अब बात 1996 के लोकसभा चुनाव की कर लेते हैं, तो 1996 में कांग्रेस ने रायबरेली सीट से शीला कौल के बेटे विक्रम कौल को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन यह पहला चुनाव था जब कांग्रेस रायबरेली सीट पर जीतना तो दूर, लड़ाई से भी बाहर चली गई। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम कौल की जमानत तक जब्त हो गई। कौल को 25,457 वोट मिले, जो कुल पड़े वोट का महज 5.29% था। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली सीट पर भाजपा और जनता दल के बीच दिलचस्प लड़ाई देखी गई। दरअसल इस चुनाव में भाजपा और जनता दल दोनों ने एक ही नाम वाले प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया था। अशोक सिंह पुत्र देवनाथ सिंह को भाजपा ने मैदान में उतारा था, तो अशोक सिंह पुत्र राम इकबाल सिंह को जनता दल से टिकट मिला था। मुख्य मुकाबला भी इन दोनों उम्मीदवारों के बीच हुआ। नतीजों में भाजपा प्रत्याशी को 33,887 मतों से विजय हासिल हुई। 1998 के आम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को फिर जीत मिली। अशोक ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र बहादुर को 40,722 वोटों से हराया। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से शीला कौल की बेटी दीपा कौल उम्मीदवार थी। 1996 में दीपा के भाई की जमानत जब्त हुई थी, तो 1998 में दीपा की भी जमानत जब्त हो गई। भाई की ही तरह दीपा भी चौथे नंबर पर रही थी। 1999 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर वापसी की। इस बार पार्टी के प्रत्याशी कैप्टन सतीश शर्मा को सपा के गजाधर सिंह के खिलाफ 93,549 वोटों से विजय मिली। हर बार की तरह इस बार भी यहां से गांधी नेहरू परिवार से संबंध रखने वाले एक शख्स ने चुनाव लड़ा था। यह और बात है कि इस बार ये सदस्य कांग्रेस के टिकट से नहीं बल्कि भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। ये सदस्य थे अरुण नेहरू। हालांकि राजीव गांधी से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 2004 में जब राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति में कदम रखा, तो सोनिया गांधी ने अमेठी सीट उनके लिए छोड़ दी और खुद रायबरेली से चुनाव लड़ने लगी। 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने सपा के अशोक कुमार सिंह को करारी शिकस्त दी। सोनिया ने यह चुनाव 2,49,765 वोटों से जीता। 2009 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली सीट को बरकरार रखने में कामयाब रही। इस चुनाव में सोनिया ने बसपा के टिकट पर उतरे आरएस कुशवाहा के खिलाफ 3,72,165 वोटों से एक और बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 में भी इस सीट से सोनिया गांधी को प्रचंड जीत मिली। 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार जीत का अंतर कम हो गया। इस चुनाव में सोनिया गांधी को 5,33,687 वोट, जबकि भाजपा की तरफ से उतरे दिनेश प्रताप सिंह को 3,65,839 वोट मिले। इस तरह से 2019 में सोनिया 1,67,884 वोटों से अपनी जीत बरकरार रखी। राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुकी सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं उतरी। इसके बाद अटकलें यह भी लगाई जाने लगी कि कांग्रेस रायबरेली से सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी को उतार सकती है। सक्रिय राजनीति में आने से पहले से प्रियंका अमेठी और रायबरेली सीट से मां सोनिया और भाई राहुल गांधी का चुनावी प्रबंधन देखती रही हैं। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। भाजपा ने यहां से दिनेश प्रताप सिंह को अपना चेहरा घोषित किया है। वहीं बसपा ने ठाकुर प्रसाद यादव को मौका दिया है। इस बार रायबरेली का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा।